बांदा जनपद में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्मार्टफोन पाते ही खिल उठे चेहरे। 1661 कार्यकर्तियों को दिया गया स्मार्टफोन, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जताया आभार। बांदा जनपद में आज कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। सुधीर कुमार SDM जिला कार्यक्रम अधिकारी बांदा के द्वारा 50 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। अपने केंद्र की सूचनाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जानकारी स्मार्टफोन से ही अपलोड करेंगी। जिले में 1661 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इस सुविधा से लैस किया जाएगा। कार्यक्रम अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए स्मार्टफोन का विशेष महत्व है। इससे बच्चों से संबंधित कई तरह की जानकारी, आंकड़े, प्रगति सहित बहुत सी सूचनाएं डिजिटल हो जाएंगी। इस दौरान जन प्रतिनिधियों सहित जनपद के आला अधिकारी मौजूद रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि ऑफिस संबंधी कार्य के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता थी। सूचनाओं को अपलोड करने के लिए अब किसी के पास जाना नहीं होगा। रिपोर्ट संबंधी जानकारी अब हाथों में ही मिल जाएगी। हम सब बहुत खुश हैं। बांदा से फैयाज खान की रिपोर्ट। शासन द्वारा यह फैसला लिया गया कि ICDS विभाग के आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए उनको स्मार्टफोन का वितरण कराया जाए। इसी क्रम में आज हमारे जनपद में 1661 आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन का वितरण कराया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में 50 आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुलाकर सिंबॉलिक रूप से यहाँ वितरण कराया गया और बाकी जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं सभी को ब्लॉक में फोन का वितरण कराया जाएगा। BLO को भी हमें थोड़ा सा दिया गया है। BLO के लिए अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया, उनके लिए आएगा तो वहाँ भी कराया जाएगा। आंगनवाड़ियों के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। गायत्री गुप्ता जी, ये बताइए आपको स्मार्टफोन मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमारे काम में जो रुकावट आती थी फोन की वजह से, अब वो रुकावट नहीं आएगी। इसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद कि हमारे काम और तेजी गति मिलेगी काम करने में। जो हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है उससे हमको बहुत सहारा मिलेगा। गायत्री गुप्ता, वार्ड 28 अलीगंज में कार्यकर्ती हूँ। अभिलाषा त्रिपाठी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आपको स्मार्टफोन मिला, कैसा लग रहा है, क्या काम करेंगे इससे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सरकार ने हमारे काम को समझा, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और हम इसी तरह से तरक्की करते रहे। क्या सर, मिसयूज तो नहीं करेंगे, काम ही होगा? हाँ नहीं सर, इससे काम होगा क्योंकि हमको काम भी बहुत है सर, पहले भी काम करते थे सर, अब काम करेंगे। फीडिंग वगैरह का सर हमें इससे बहुत काम रहता है। अलीगंज वार्ड नंबर 28 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जी सर। शहर की देखती है? शहर अलीगंज वार्ड नंबर 28 अलीगंज बांदा।